तो रास्ते का पता चल चुका है, हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, वहाँ से लेफ्ट मारना है, लंबा पड़ता है, सोच रहे हैं रिक्शा कर लें, आगे से देखते हैं कितना दूर है, उसके बाद डिसाइड करते हैं। ये भाई साहब बिजी हैं, मैंने आपको बोला था रात को भी कि बिजी रहते हैं और अभी भी बिजी हैं। तो निकल चुके हैं, अभी पैदल चलें, लगभग 200 मीटर 300 मीटर के आसपास है, पैदल चलेंगे, उसके बाद वहाँ से सोचेंगे अगर ज़्यादा दूर होगा तो रिक्शा करेंगे, देखते हैं कितना दूर है, फिर वहाँ पे मैं आपको पहुँच के ही दिखाता हूँ। और तो हम लोग पहुँच चुके हैं, कुछ इस तरीके का गेट है और ऐसा कुछ दिख रहा है यार, बड़ा तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। और पहले का एरिया कुछ इस तरीके से दिखता था और बाद में चेंज हुआ कुछ ऐसे में। तो यार जगह तो काफ़ी प्यारी है, और ऐसा जंगल वंगल का मज़ा लेना है तो जंगल वाला का मज़ा ले सकते हो, और काफ़ी बेहतरीन एरिया। आप देखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना भारी, बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत खूबसूरत है भाई, इतना दूर चल के मतलब नुकसान नहीं हुआ ऐसा समझ। चलिए मैं आगे चल के दिखाता हूँ, वहाँ दौड़ना ओढ़ना है तो दौड़ सकता है, इधर से काफ़ी बड़ा है, पूरी सीन मैं आपको शूट करके वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। चलते हैं थोड़ा आगे, पब्लिक तो एक भी नहीं है, दो बंदे उधर हैं और दो हम हैं और एक उधर है खाली, बस और तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ ग्रास है, और ये ग्रास जहाँ पे हम लोग पहले मैच खेलते थे वैसे वाली ही ग्रास है। और यार बहुत लंबा है, बहुत खूबसूरत है, एकदम गांव की तरह लग रहा है। और वो जा रहा है प्लेन, अगर आपको दिख रहा हो तो, धूप भी थोड़ी थोड़ी है और गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। भाई साहब इतना थक चुके हैं, हाँफ रहे हैं, ये देखो इसीलिए कहते हैं गुटखा उटका खाना छोड़ दो, समझे, खाने पे ध्यान दो खाने पे ध्यान दो यार। बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम गांव की तरह महसूस हो रहा है, बस दिल कहता है यहीं पे घर बनाओ और यहीं पे रह जाओ, बीच में ही पूरा जंगल एरिया और इतना बड़ा सा ग्राउंड प्यारा सा लग रहा है। तो कुछ ऐसा है, मैं आपको पीछे आ रहा है भाई साहब, बहुत स्लो चलता है वो, और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ का आप देखेंगे कितनी किसी भी तरफ देखेंगे, यहाँ चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें और चाहे ये साइड देखें, हर तरफ जंगल ही जंगल है। और इधर हमें अंदर जाने से मना किया गया है, पार्क वाला भी हमें मना कर रहा था कि आप लोग अंदर नहीं जाइएगा जंगल में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, लूटपाट का डर रहता है। तो ये कुछ तरीके का सीन है, ऊपर चोटियाँ दिख रही होंगी आपको, बहुत प्यारी सीन है यार, यहाँ आके तो एकदम गाँव की याद आ जा रही है, मतलब खुला आसमान, खुली हवाएं, ना ज़्यादा पोल्यूशन, ना गर्म हवाएं, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दूर दूर से जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं सब प्यारी दिख रही हैं यार। आपको मैं आगे चल के और दिखाता हूँ, ये साइड का जो सीन है, इस साइड का भी सीन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, आप इतनी बड़ी बड़ी लाइटें यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लाइटें, और जो सीन है यहाँ का वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है यार, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बेहतरीन पार्क, पहले ये कचरकुंडी थी जैसे कि मैंने आगे आपको बोर्ड पे भी दिखाया होगा, और बाद में इसको चेंज करके गार्डन की तरह बना दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, फिर वहाँ भी आगे भी है, उधर भी गार्डन ही है, उधर से हम लोग ने स्टार्ट किए थे उधर से, और तब से चलते हुए आ रहे हैं, लगभग 10 मिनट से चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है। और वो सीन मैं आपको दिखाऊँ
वो भी चोटियों से काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिखता है। मैं और करीब जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला रास्ता जो है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये पूरा जंगल की तरफ जाता है। तो मैं अकेला हूँ, खुर्शीद भाई का थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, वो वहाँ पे पहुँचा हुआ है, वो आ जाए उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि अकेले जाना बेस्ट नहीं है। मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, जाने की कोशिश। ज़्यादा अंदर तक तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ही जाएंगे, क्योंकि डर है यार, वो पार्क वाला भी हमने मना कर दिया था, तो उसको आ जाने दे, फिर उसके बाद साथ में हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे, ज़्यादा नहीं। लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से चलते हुए आए हैं, खुर्शीद भाई थे इसीलिए आ रहा हूँ, अकेले आता नहीं मेरे को भाई, बहुत डर लगता है। और ये प्लेन फिर से एक और जाता हुआ, पकड़ लूँ ऐसा यार, पूरा जंगल है। मैं आपको मैप का फ़ोटो डाल दूंगा अभी इसके आगे, आप देख सकेंगे पूरा जंगल ही जंगल है, मतलब यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। और आगे थोड़ा सा चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। अभी यार हम लोग इसके आगे नहीं जा सकते, खुर्शीद भाई बोल रहे हैं कुछ शेर वेर हुआ तो एंड हो जाएगा। और यार ये चीज़ क्या है, अगर किसी को पता है तो बताना ज़रूर, काफ़ी ज़्यादा ही है यहाँ पे, नाम नहीं मालूम हम लोग का। और ये सब पूरा जंगल है कि अंदर जाने का को कोई वो ही नहीं है, अंदर पूरा अंदर एकदम जंगल ही जंगल है। और क्या बोलते हैं, ये पौधे का नाम हमें नहीं पता चल रहा है, आपको अगर पता होगा तो बताना ज़रूर, क्योंकि अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई इसके आगे डर है, हम नहीं जा सकते, क्योंकि अकेले दो ही जन है सिर्फ, अगर ज़्यादा होते या 4 से 5 होते तो ज़रूर जाते अंदर। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, गार्डन पे थोड़ा सीट पे बैठ के आराम करेंगे, थोड़ा सा थक चुके हैं चलते चलते ऐसे ही। और ये वाला फूल भी काफ़ी प्यारा लग रहा था तो हमने तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा फूल हैं। अगर हमने सुना है कि अगर आप अंदर जाएंगे तो अंदर बहुत सारे जानवर, तितली, परिंदे, सब कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन यार ऐसे अभी 2 दिन को अंदर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये। लगभग होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं सही नहीं हूँ तो, यहाँ की एरिया के, नवी मुंबई के एरिया का, तो लगभग होगा ये 5 से 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में होगा। तो इतना लंबा तो हम चल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ना गाड़ी है ना कुछ है, हम पैदल ही चल रहे हैं, और 2 ही जन हैं इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। और अब बीच में जा रहे हैं गार्डन के, थोड़ा वहाँ बैठते हैं, मैंने आपको पूरी सीन दिखा दी, काफ़ी प्यारा व्यूज़ है, 360 डिग्री, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और जो पैदल चलने का वो था, वो हमें फ़ायदा कर गया, क्योंकि हमें पता था ये गार्डन है यहाँ पे, लेकिन जगह का नहीं पता था, तो पूछते पूछते 2-3 जगह आकर पहुँच चुके हैं। और मैं आपको यहाँ की ख़ास बात दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो दरख्त आप लगे हुए देख रहे हैं, वो गलती से नहीं हुए हैं, वो सब लाइन से लगाए हुए हैं गार्डन में। और ये जंगल का जो एरिया है, जो इस तरीके से ये कपड़ा बांधा हुआ है, ये सब जंगल के एरिया में आता है, इसलिए यहाँ पे पौधे एकदम गजिन है, लेकिन वहाँ पे जो गार्डन का एरिया है, वहाँ पे एकदम लाइन से आप देखेंगे, आप वहाँ पे देख रहे होंगे एकदम लाइन से वो सब पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये थी गार्डन की कुछ एक्सपीरियंस। और रात को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा, रात को इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि आप हरी हरी ग्रास देख रहे हैं, ऊपर से ये सब देख रहे हैं, तो आप जब वो फ्लड लाइट जलती होगी तो और भी प्यारा सीन दिखता होगा, क्योंकि अभी हम रात को रहेंगे नहीं, क्योंकि हमें निकलने का जो प्लान है वासी से, फिर वापस घर जाने का प्लान है, वो लगभग 2 से 3 बजे के आसपास हम यहाँ से निकलेंगे। और ये गार्डन कुछ ऐसा है, आप कुछ रहा नहीं है बोलने को, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यूज़ है, थोड़ी थोड़ी धूप भी खिली हुई है, ये आप ऐसे देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी धूप भी खिली हुई है। और वहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, जैसे कि आप JCB वहाँ पे भी है, तो काम प्रोसेस पे है, अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो ये है कुछ इस तरीके का, अब कभी और आएंगे जब पूरा सा कंप्लीट हो जाएगा, तो कभी रात में आपको आके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी अभी मेरे को दिखी है, जो कि गांव में ज़्यादा दिखती थी, बहुत ज़्यादा तरस गए थे, ये बोरिंग, जिसको गांव में बोरिंग बोलते, जैसे नल लेते हैं, ये देखिए, ये जैसे कि यहाँ पे बोरिंग है, लेकिन इस पे अभी नल नहीं लगा हुआ है, तो हमें चलाना नहीं हुआ, हमने दूर से देखा तो हमने लगा होगा, हमें लगा कि ये नल है तो चलाने को मिलेगा, लेकिन आगे आए तो सिर्फ ये बोरिंग ही थी। और यार व्यूज़ तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा एकदम गांव की याद आ गई है, बताता हूँ। बाकी सब तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक चीज़ मुझे बुरी बुरी लगी, जैसे कि आप ये बड़ी बड़ी पहियों का निशान देख रहे होंगे, JCB का निशान है, तो वो पूरा मतलब तोड़ रही है, अभी कितना तोड़ेगी या सरकार कितना तोड़ेगी या कितना करेगी वो तो समझ नहीं आता, लेकिन ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसे
आप देखेंगे धीरे धीरे, देखो पूरा जंगल ख़त्म हो रहा है। आपने इतना बड़ा सा बना दिया, ये काफ़ी ठीक है, काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप जंगल ख़त्म कर रहे हैं, ये सही नहीं लगता मुझे। क्योंकि जंगल होना ज़रूरी है हमारी हवाओं के, हवा के लिए, जानवर के लिए, पक्षी परिंदों के लिए, और हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सब जो गार्डन का एरिया है, ये सब गार्डन में ही जाता हुआ रह रहा है, और ये जंगल धीरे धीरे ख़त्म ही कर रहे हैं, तो ये गलत है यार। इसमें मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें जानवरों की भी फिक्र करनी चाहिए दोस्तों। ये हमें सबसे ज़्यादा बुरा लगा, पूरा देख रहे हैं आप, इसको भी पूरा ख़त्म ही करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इतना सारा ख़त्म हो गया और ये सब जंगल ख़त्म कर रहे हैं। मतलब मेरे समझ में तो ये नहीं आता कि आप जंगल नहीं ख़त्म कर सकते, आपको करना भी नहीं चाहिए इंसानियत के द्वारा। लेकिन आप देखेंगे ये चारों तरफ, वो वहाँ से आप देखेंगे उतना बड़ा सा बना दिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि आगे मैंने पीछे वीडियो में भी आपको बताया, लेकिन फिर भी ये ख़त्म कर रहे हैं। अब इसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, प्रोजेक्ट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, या गार्डन का, या स्कूल का, या हॉस्पिटल का, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है गार्डन का ही हो, क्योंकि अभी बाजू में गार्डन ही है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है। तो गाइस अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इसको बाय बाय बोलते हैं, गेट के पास आ चुके हैं, जैसे कि ये गेट है और ये व्यूज़ है। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, घर पे जाने के बाद वहाँ खाना वाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद वहाँ से निकलेंगे। अभी वक्त हो रहा है लगभग 2 बजने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे आए लगभग 12 के आसपास से, लगभग 2 घंटा यहाँ पे गुजारने के बाद, तो अभी हम निकल रहे हैं घर पे। तो अब आपको सीधे, और वो जो तालाब का प्लान था, तालाब का प्लान लेट हो गया, यहीं पे 2 घंटे लग गए, तो वहाँ अभी नहीं जा सकते। तो अभी यहाँ से खाना खाएंगे और सीधा उसके बाद घर जाने का प्लान है। ये तो वक्त हो जाएगा, जब शाम हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा बस में भीड़ हो जाती है, और भीड़ होने पर सर्वर बहुत भारी पड़ता है, जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया भी होगा। तो अभी सीधा चलता हूँ घर पे। और एरिया जो है यहाँ का बहुत खूबसूरत, नवी मुंबई में पड़ता है वासी, तो एरिया में ज़्यादा खचरकुंडी नहीं, आप देख सकते हैं रोड माशाल्लाह बहुत फर्स्ट क्लास है। तो अभी हम सीधा चलते हैं घर पे, आपसे मुलाकात करते हैं, खाना वाना खाने के बाद वहाँ से हम निकलेंगे, देखते हैं कितने बजे निकलते हैं, 2 या 3 बजता है, तो चलिए सीधा घर पे चलते हैं।